भाभी सर उनके हाथों अपना इनाम कलेक्ट करें। वेल प्लेड कपिल, बहुत अच्छा खेला। लॉर्ड्स इथं पाडण्यात येत आहेत। सावंदा संघाचा संघ नायक आणि विजय अकुंडा संघाचा संघ नायक। लॉर्ड्स पाडण्यात येत आहेत। सावंदे संघाचा संघ नायक, कुंडे संघाचा संघ नायक, दोन्ही संघ नायकांनी इथं उपस्थित राहायचं आहे। संजय दलवी साहब लॉर्ड्स गिला रहे हैं। तमाम विजयी टीम के कप्तान यहाँ पे स्टेज पे जमा हो चुके हैं। लॉर्ड्स गिला रहे हैं संजय दलवी साहब। हाँ ती बेबीला बोलो ना, बेबीला बोलो। ए बेबी इकड़े इकड़े, ए गुजल दे काकांना दे। बाई की किट्टी उठाइए कुंदे टीम को। एक बार फिर से भाग्य ने कुंदे का साथ दिया और बाई मिली उन्हें। ₹50 का इनाम जीत लिया हमारी बेबी ने। काय कर सिर 50 का? ए बेटा ₹20 दे ना, 20। ए 20 दे, माझा पगार पण नाही झाला। अब अगली मैच के पहली इनिंग का आंखों देखा सुनाने के लिए मराठी के हमारे कमेंटेटर रवि मांजरे। तर सामना सुरू होतोय। इशारा येतो पंचांचा, सामन्याला सुरुवात होते। सलामीला आशिष आणि सुमित। पहिला चेंडू खेळून काढतोय, त्याला चेंडू आदलतोय, एक धाव मिळतोय, दुसऱ्याचा प्रयत्न करतोय, मना करतोय तू चल मी येतो, आणि असं करता करता दोन धाव आहे पूर्ण झालेले आहेत आणि दोन धावाने खातं खोलतोय तो आशिष। संघाचं खातं खोलतोय, धावसंख्या 2। गोलंदाज शरद पहिल्या चेंडूवर 2 धावा जमा करतोय आशिष। चालू असणार सामना बंद्रे मारुती काढले राणे पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस दिवे आहे 2 संघामध्ये। पहिल्या चेंडूवर 2 धावा जमा करतोय तो आशिष। पुन्हा एकदा अतिशय उंच तुंग फटका आहे आणि षटकार, सुंदर अशी फलंदाजी करतोय। संघाची धावसंख्या वाढवतोय, धावसंख्या झालेली 8। आशिषांनी धाव संख्या झालेले 8, पहिले षटक चालू। मोठा सामना आपण बघतोय, बंद्रे मारुती काळे राणे दिवा पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस दिवे आणि बंद्रे मारुती काळे राणे या 2 संघामध्ये।
शरद गोलंदाज सामना करतोय आशीष एक धडाकेबाज असा फलंदाज दिवे संघाचा पुन्हा चांगला चेंडू जोरदार अपील उजव्याच्या बाहेरचा चेंडू एक धाव पूर्ण लेग बायच्या रूपाने धाव आणि धाव संख्या झालेली आहे ती 9 आताच आपण बघितलं टेमगर संघाला धूल चारली ती कुंदे संघाने आणि कुंदे संघाचं नशीब त्यांना बाय सुद्धा मिळालेलं आहे धाव संख्या झालेली 9 डावखुरे फलंदाज सुमित डावखुरे फलंदाजासाठी नंदनवर ठरते ही खेळपट्टी पूर्णपणे आजचा दिवस डावखुरे फलंदाजांनी गाजवलेला दिसतोय उलटा चेंडू पुरेपूर फायदा उठवलाय परंतु सुंदर असा झेल पकडलेला आहे आणि पहिला आदरा मिळतो तो दिवा संघाला सुमित यांच्या रूपाने धाव संख्या 9 एक बाद 9 पहिले षटक चालू नवीन फलंदाज विक्की आणि गोलंदाज आहे तो शरद धाव संख्या आहे ती 9 एक बाद 9 पहिले षटक चालू उजव्याष्टीचे बाहेर जाणार चेंडू पंचाळीसर वाईट अतिरिक्त एक धाव संख्येत भर धाव संख्या दुहेरी अंकात प्रवेश करते ती म्हणजे 10 आणि पुढचा चेंडू पहा स्ट्राईक वर येतो एक धडाकेबाज फलंदाज आशिष गोलंदाज आहे शरद हो सुंदर चेंडू जोरदार अपील आणि पंचांत उचलून घेतलेला आणि दुसरा आदरा मिळतोय तो दिवे संघाला आशिषाच्या रूपाने 2-10 नवीन फलंदाज जातोय राहुल चांगली फलंदाजी करीत होता तो आशिष वैयक्तिक आपल्या 9 धावर तो बाद झाला ह्या 9 धावामध्ये एक उत्तुंग असा षटकार आणि धाव संख्या 10 पुन्हा एकदा शरद सामना करतोय उजव्या बाहेर जाणार चेंडू पुन्हा एकदा 45 वाईट अतिरिक्त एक धाव संख्येत भर धाव संख्या 11 स्ट्राईक वर येतो राहुल नॉन स्ट्राईक येतो विकी आणि धाव संख्या 2-11 पहिले षटक चालू चांगला चेंडू गेलून काढलेला खोदून काढलेला आहे एक धाव तर नक्की मिळणार आहे दुसरीचा प्रयत्न परंतु असफल एकच धाव वाढती धाव संख्या आहे धाव संख्या झालेली 12 एका षटकाच्या समाप्तीनंतर पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस दिवा संघाची धाव संख्या ती 2-12 धाव संख्या 2-12 नवीन गोलंदाज येतोय रोशन
फलंदाज आहे तो राहुल। अतिशय सुंदर चेंडू, जोरदार अपील, पंच फेटाळून लावतायत। एक धाव पूर्ण, धाव संख्येत वाढ झालेली, धाव संख्या झालेले 13। सामना करेल विक्की, गोलंदाज आहे तो रोशन। पूर्ण दिवसामध्ये भरपूर असा आनंद लुटलाय सर्व प्रेक्षकांनी, ढगाळ असं वातावरण आणि त्या वातावरणाचा नक्कीच फायदा उठवला सर्व प्रेक्षक वर्गाने, सर्व खेळाडूंनी। रोशन डावखुरा फलंदाज, नंदनवन का ठरते खेळपट्टी हे दाखवून देताना हा डावखुरा फलंदाज। धाव संख्येत वाढ झालेली, धाव संख्या झालेली ती 19। उद्या होणारे सामने अतिशय रंगतदार सामने उद्या सुद्धा आपल्याला बघायला मिळणार आहेत। युवराज वाकलन भादाने राहणार, चिंचघर, वालिव, गेरसे, कोसले, वसई नाका, गोरसई बी, सातिवली, टेमगरपाडा, जयदुर्गा बी आणि पुन्हा एकदा वालिव, असे उद्याचे होणारे सामने अतिशय महत्त्वाचे सामने। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू लेगच्या तटवलेला आहे, एक धाव पूर्ण, दुसऱ्याचा प्रयत्न आहे आणि एकच धाव, धाव संख्येत वाढ झालेली आहे, धाव संख्या 20। धाव संख्या 20, दुसरा षटक चालू। उजव्या खूप बाहेर जाणार चेंडू, एक धाव तर पंच काय इशारा देतात, पंचाच्या इशाराची वाट बघत आहे आम्ही। पंचांच्या इशाराची आम्ही वाट पाहतोय आणि बाद झालेले आहे, धावचेच झालेले आहे। तिसरा अदरा मिळतोय तो दिव्य संघाला आणि धाव संख्या झालेले 20। आणि पंचांचा इशारा, हा चेंडू वाईट आहे, एक धाव मिळणार आहे, धाव संख्येत वाढ झालेली, धाव संख्या 21। वाईट चेंडूवर एक धाव घेण्याचा प्रयत्न केलाय आणि बाद झालाय तो राहुल। नवीन फलंदाज गेलेले रुपेश आणि धाव संख्या आहे ती 21। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू, जोरदार अपील, पंच फेटाळून लावतो, एक धाव तर नक्कीच मिळणार आहे आणि एक धाव पूर्ण, वाढती धाव संख्या आहे, धाव संख्या 22। फलंदाज रुपेश, गोलंदाज आहे तो रोशन आणि धाव संख्या आहे 22। कृपेश, फलंदाज कृपेश आहे, कृपेश उजव्या हस्ते चेंडू खेळून काढतोय, खराब क्षेत्ररक्षण आणि 4 धावा, याच बरोबर वाढती धाव संख्या झालेली, धाव संख्या झालेली ती 26। चांगल्या अशा धावा जमा केल्या आहेत त्या दिवा संघाने, कृपेशाने आपल्या चौकाराने खातं खोललंय आणि धाव संख्या 26। दुसरा षटक चालू, या षटकातील शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे रोशन यांचा आणि सामना करेल तो कृपेश।
बेस्टचा थोडासा बाहेर जाणार चेंडू, निर्धाव चेंडू जातोय. आजवर षटक संपतोय, दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर दिवा संघाची धाव संख्या झालेली आहे 26. आपण टीव्ही स्क्रीन वर बघत आहेत त्या झाडावर जसे काय माकड बसलायत, इशारा करतात आमच्याकडे झाड हलवून कि आम्ही आहे. आमचे कॅमेरामन यांना चांगले कॅच करताना दिसतायत, आनंद लुटताना दिसतायत. खूपच आनंद साजरा करताना दिसतात सर्व लहान बाळके. आनंद साजरा करताना कुठल्याही प्रकारची दुखापत होणार नाही याची सुद्धा दक्षता घ्यायची सर्व लहान मुलांनी. नक्कीच आपल्या घरी आपल्याला पाहत असतील आपले आई बाबा. गोलंदाज दिलीप वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी तिसरा सेट घेऊन येतो. अनुभव गोलंदाज दिलीप, भरपूर वर्षाचा अनुभव आहे दिलीप कडे. भरपूर वर्ष या मैदानावर दिलीप यांनी खेळली गेलेले. दिलीप नंदन अनुभव असे खेळाडू या संघामध्ये खेळताना दिसत आहेत आणि धाव संख्या झालेली 26. दिलीप चांगला चेंडू आणि चार धावा. बॅटेला लागून चेंडू शिमारी बाहेर जातोय. चार धावा वाढती धाव संख्या, धाव संख्या 30. पुन्हा एकदा दिलीप सामना करतोय डावखुरा फलंदाज विकी. अतिशय सुंदर फटका विकेचे बॅट मध्ये निघाला. 6 धावा उतरून फटका. धाव संख्येत वाढ झालेली, धाव संख्या 36. धाव संख्या झालेली 36. सुंदर फलंदाजी करताना दिसत आहेत दोन्ही फलंदाज, विशेष करून विकी आणि कृपेश. वैयक्तिक 18 धावर खेळतोय तो विकी. त्याच्यामध्ये दोन उतुंग षटकार आणि एक खंडखंडित चौकार. पुन्हा एकदा सामना करतो डावखुरा फलंदाज विकी. धाव संख्या 36. पुन्हा एकदा हवेत चेंडू, खूप उंच उडवला चेंडू. शतरक्षक चेंडूच्या खाली येतोय आणि सुंदर झेल विकी फेल. अतिशय सुंदर फटका होता परंतु चेंडूची उंची जास्ती, परंतु कुठल्याही प्रकारची चूक केली नाही त्या शतरक्षकाने. झेल चित केलेला तो विकी याला. विकी याची खेळी संपुष्टात आलेली आहे. नवीन फलंदाज जातोय तो सिद्धेश. धाव संख्या झालेली 36. 4 बाद 36. नवीन फलंदाज गेलेले सिद्धेश. स्ट्राईक वर येतो कृपेश आणि धाव संख्या 36. दिलीप उजवासा चेंडू. पुन्हा एकदा लेग साइडला केलेले, एकदा पूर्ण दुसऱ्याचा प्रयत्न आहे. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजामध्ये. दोन धाव पूर्ण आणि वाढती धाव संख्या, धाव संख्या ती 38. तिसरा षटक चालू, 3 षटकाचा सामना चालू असणार. सामना बंद्रे मारुती कालेर आणि पुरुषोत्तम एंटरप्राइजेस दिवा दोन संघामध्ये. ह्या षटकातील अजून दोन चेंडू शिल्लक आहेत ते दिलीप यांच्या सामना करतोय तो कृपेश. पुन्हा एकदा मोठा चेंडू केलू काढतोय. एक धाव तर नक्की मिळणार, दुसरा प्रयत्न आहे.
आणि दोन धावा पूर्ण, धाव संख्या झाली 40. दुनियाचे बलाढ्य संघ बंद्रा मारुती कालेर मोठं नाव भिवंडी परिसरामध्ये, तसंच पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस दिवा हा सुद्धा एक मोठा संघ, नक्कीच शेवटच्या चेंडूवरच सामना रंगेल या शंकाच नाही. दिलीप ओ सुंदर चेंडू, थोडा खाली जातो, निर्धाव चेंडू जातोय आणि धाव संख्या येते 40. 41 धावांचं आव्हान आहे ते बंद्रा मारुती कालेर संघापुढे. धडाके बाद असे फलंदाज आहेत ते बंद्रा मारुती कालेर संघाकडे सुद्धा, विशेष करून कालेर रत्न एक अष्टपैलू असा हा खेळाडू आहे कालेर रत्न नंदन. चौकारांचा बादशाह गणला जातो तो, पॉवर प्लेचा बादशाह म्हणून गवळी सरांनी त्यांना एक उपमा दिलेली आहे. कालेर रत्न ही उपमा भावे सरांनी दिलेली. या सामन्यानंतर अजून एक सामना होणार आहे सावंदे आणि या संघातील विजय संघ. दोन्ही संघांनी लक्षात घ्यायचं, वेळ कमी, वेळेचं भान ठेवा, सहकार्य करा. या सामन्यानंतर अजून एक सामना होणार आहे या संघातील विजय संघ आणि सावंदे. तर ह्या पुढील धावतं समालोचक माझे सहकारी समालोचक साठे सर. थँक यू रवी मांजरे मांजरेकर, शिवसेना शाखा एवं गावदेवी स्पोर्ट्स धुंडावडोली पश्चिम द्वारा आयोजित हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे ट्रॉफी 2019 में मैं यासीन साडे एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं. बड़ा ही महत्वपूर्ण मैच होने जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए दिवा की टीम ने 40 रन बनाए और 41 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने. हेलो कमी कर दो. अब 41 रनों के पीछा करने के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान के बीच नंदन और रोशन के रूप में पहली गेंद का सामना करेंगे. नंदन पिछली मैच में भी उन्होंने पहली गेंद पे शानदार छक्का लगाया था, उसी प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे. नंदन काले टीम को जीतने के लिए बड़ा लंबा लक्ष्य है, 41 रन बनाने हैं 18 गेंदों में. कांटे की टक्कर होने की संभावना, अपना क्षेत्र रक्षण लगा रहे हैं यहाँ पे दिवा टीम के कप्तान डिब्बे कोडे स्कूलेक. डिप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड मैन, इस फील्ड की सजावट के साथ पहली गेंद करेंगे मनोज नंदन के लिए. संध्या का समय, सूर्य आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए, अंधेरे का साम्राज्य आहिस्ता आहिस्ता छा रहा है, बेड लाइट होने की आशंका. तुम्हारा नन उसके बाद की मैच आप लोगों को ही खेलनी है, इसलिए जरा जल्दी से मैच शुरू करें. एम्पायर पहली गेंद लेके मनोज नंदन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट. चले मनोज, एम्पायर को पार किया, पहुंचे गेंद की और बिल्कुल कदमों में ब्लॉक आउट में डालने का प्रयास. ढकेला अपने आप से दूर, नंदन ने एक रन पूरा कर लिया. दूसरा रन लेना चाहते थे नंदन, उनके साथी ने उन्हें मना किया, एक रन पे संतुष्ट. नंदन ने अपना खाता खोला, उनका व्यक्तिगत योग शून्य से बढ़ता हुआ पहुंचा एक रन, और अपने टीम के योग को भी उन्होंने पहुंचा दिया एक रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे. और अब मनोज की अगली गेंद का सामना करेंगे
रोशन। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, काले टीम का आधार स्तंभ है वो बल्लेबाजी की, बड़ा बड़ी उत्तरदायित्व उनके कंधों पे कि अपने टीम की डूबती हुई नैया को किनारे लगाए। फील्ड का मुआयना कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, अब जाके तैयार हुए रोशन। मनोज गेंद करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, आ गया है और इस गेंद को उठा के मार दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद। 6 रनों के लिए शानदार छक्के के साथ शुरुआत करते हुए यहाँ पे रोशन, जैसा उनका नाम है रोशन कर दिया उन्होंने इस ग्राउंड को। पहली गेंद पे छक्का, हिम्मत दिखाई, फ्लाइट डिलीवरी थी, आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया, हॉफ वॉली पे लिया और उठा के फेंक दिया गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। खाता खोला अपना, इन 6 रनों के सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा काले टीम का 7 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। 41 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है यहाँ पे काले टीम। क्या शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे रोशन द्वारा, एक छक्का लगा चुके, आत्मविश्वास उनका काफी ज्यादा बढ़ गया होगा। अब देखना है कि अगली गेंद पे क्या प्रहार करते हैं, वो अटैक करते हैं या डिफेंसिव शॉट खेलते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मनोज गेंद करने के लिए तैयार। चले मनोज पहुंचे गेंद की ऑफिस टाइम के बाहर और बहुत चतुराई बड़े ढंग से उसे निकाल दिया। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर वहां पे मौजूद है। 2 रन मिले और 2 रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 9 रन काले टीम का। पहली ओवर चल रही है, मनोज अभी तक काफी महंगे साबित हुए हैं, 3 गेंदों में 9 रन दे चुके हैं और प्रशंसा करनी होगी यहाँ पे रोशन की, एक छक्का भी जड़ाया उन्होंने। बहुत अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन रोशन द्वारा, प्रेशर इस वक्त मनोज के ऊपर, एक छक्का खा चुके, कम बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी। चले मनोज एम्पायर को पार किया रोशन के लिए और इस गेंद को एक बार फिर से उठा के मार दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए दूसरा छक्का। शानदार और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहाँ पे, इस 6 रनों की सहायता के साथ स्कोर उछलता हुआ पहुंचा यहाँ पे काले टीम का 15 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। दूसरा छक्का ये रोशन के बल्ले से निकलता हुआ, अब पूरी तरह से प्रेशर में होंगे मनोज, 2 छक्के खा चुके हैं, कम बैक करना बहुत ज्यादा जरूरी मनोज के लिए। संध्या का समय बहुत ही सुंदर दृश्य उत्पन्न करता हुआ ये अंसार सुसे स्टेडियम ढोडा उडोली पश्चिम का, पहाड़ों की वादियों में गिरा हुआ हरा भरा धर्मशाला का जो हमारा इंटरनेशनल स्टेडियम है उसकी याद दिलाने वाला ये ऐतिहासिक स्टेडियम। कई टेनिस के स्टार ये ग्राउंड पे खेले हैं, पैदा हुए हैं। चले मनोज पहुंचे, मनोज गेंद की और इस गेंद को उठा के खेलना चाहते थे, ऊपर खड़ी रह गई ये गेंद, लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है और क्या खूबसूरत कैच लिया, बेहतरीन कैच, कैच ऑफ द डे मैं कहूंगा, बेहतरीन कैच सुमित ने लिया, प्रशंसा योग्य। और जो जानते थे इस विकेट की अहमियत के रोशन को आउट करना कितना ज्यादा जरूरी है, पूरी जान झोंक दी उन्होंने, पूरी एनर्जी लगा दी और आखिरी क्षणों तक अपनी नजरों को हटने नहीं दिया गया गेंद पे से। ऐसे इस तरह के कैच लेना कभी भी आसान नहीं होता, बहुत हाई लेवल की कॉन्शियसनेस, मन की एकाग्रता चाहिए। रोशन की इनिंग को समाप्त किया, रोशन ने अपना काम पूरा किया, 2 गगनचुंबी छक्के लगाए थे अपने टीम के लिए, पहला विकेट खो दिया। अब सुनील आए नए बल्लेबाज के रूप में, जबकि स्ट्राइक पे नंदन रहेंगे। नंदन ने अभी तक 1 रन बनाया है, लेकिन पिछली मैच में पहली गेंद पे छक्का लगाया था नंदन ने, इस ओवर की आखिरी गेंद मनोज द्वारा, जबकि स्कोर है 15-15 पे, अपना पहला विकेट खोया यहाँ पे काल्हेर की टीम ने। एक बार फिर से फील्ड की सजावट से संतुष्ट नहीं विकेट कीपर, अब जाके संतुष्ट हुए
खेलने के लिए तैयार नंदन। चले मनोज, काफी महंगे साबित हुए। एक विकेट जरूर उन्होंने लिया, रोशन का महत्वपूर्ण विकेट लिया, लेकिन दो छक्के भी खाए। मिली जुली सफलता यहाँ पे मनोज के लिए। राइट आर्म मोड़ दो विकेट, आगे निकले, फुटआउट बना के उठा के मारा है फील्डर, एक बार फिर से नीचे, और इस बार गलती नहीं करेंगे। लगातार दूसरी गेंद पे दूसरा विकेट, नंदन आउट हो गए, पवेलियन में लौट रहे। कैसे देखो पलटी खाई यहाँ पे गेम ने, दो गेंदों पे दो विकेट ले लिए। जो बॉलर काफी महंगे साबित हो रहे थे, उन्होंने क्या जबरदस्त कमबैक किया। पहले रोशन को आउट किया उसी क्षेत्र में, और उसी फील्डर ने एक बार फिर से लंबी दौड़ लगाते हुए एक और शानदार कैच लिया और नंदन की इनिंग को समाप्त किया। दूसरा झटका, दो गेंदों पे दो विकेट। नहीं, बल्लेबाज जा रहे हैं शरद, नॉन स्ट्राइक एंड पे रहेंगे। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बन गए कालेर के, 41 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। नंदू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बड़ी भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे, अपनी लेंथ और लाइन को बरकरार रखना होगा, अन्यथा कालेर के बल्लेबाज काफी आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं, हमने रोशन को देखा इससे पहले। नंदू गेम करने के लिए, गेंद करने के लिए तैयार। सुनील खेलने के लिए तैयार। चले नंदू, और इस गेंद को हवा में उठा के मार दिया है, गेंद जा रही है वाइड एज मिड विकेट के क्षेत्र में। एक बार और बहुत बेहतरीन कैच सुमित ने लिया। लगातार तीन गेंदों पे तीन विकेटों का पतन कालेर का। क्या जबरदस्त कैचिंग कर रही है यहाँ पे दिवा की टीम, प्रशंसा करनी होगी, प्रशंसा योग्य प्रदर्शन। सुमित ने दो जबरदस्त कैच लिए, शरद आउट होके पवेलियन में लौट रहे हैं। पहली गेंद पे फ्लाइटेड गेंद थी, आगे निकले थे, ललचाया था और वाइड इज मिड विकेट में बरोबर बिल्कुल पीछे फील्डर रखा था। जानते थे कि शरद जरूर जारहाना रवैया अपनाएंगे, आक्रामकता दिखाएंगे, और किया भी शरद ने वही। और जो बिछाया हुआ जाल था नंदू द्वारा, उसमें फंस गए। तीन गेंदों पे तीन विकेट खो दिए यहाँ पे कालेर की टीम ने, और अब आहिस्ता आहिस्ता पड़ा भारी हो रहा है दिवा की टीम का। फिर से एक बार मैच पलटी खा रहा है। अब सुनील खेलने के लिए तैयार। क्या जबरदस्त मैच हुआ, कई उतार चढ़ाव आए इस मैच में। रन रेट अभी तक वहीं पे रुका हुआ, 15 पे तीन विकेट खो दिए। पहला विकेट 15 पे, दूसरा विकेट 15 पे, और तीसरा भी विकेट 15 पे। और नंदन को पहली गेंद में सफलता, आत्मविश्वास उनका सातवें आसमान को छू रहा होगा। फील्ड की सजावट से संतुष्ट नहीं है विकेट कीपर, अब जाके संतुष्ट हुए। जो मिड विकेट के फील्डर है उन्हें थोड़ा वाइड जाने के लिए कह रहे थे। चले नंदन, राइट आर्म मोड़ दो विकेट, और इस गेंद को हवा में उठा के मार दिया। कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर को, गेंद चली गई सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए, शानदार छक्का। और इन 6 रनों की सहायता के साथ कालेर टीम का योग बढ़ता हुआ पहुंचा अब 21 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे। क्या उतार चढ़ाव आए इस मैच में। पहले 15 रन में कोई विकेट नहीं गिरा, फिर 15 पे तीन विकेट गिर गए। जबरदस्त कैचिंग का प्रदर्शन किया यहाँ पे दिवा के फील्डर्स ने, और उसके बाद जब बल्लेबाज आए तो उन्होंने पहली गेंद पे छक्का लगा दिया। 41 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है कालेर की टीम। कांटे का मुकाबला चल रहा है, कांटे की टक्कर चल रही है यहाँ पे गेंद और बल्ले के बीच में। कड़ा संघर्ष, एक महायुद्ध, 10 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। मेरे स्कोरर मुझे बता रहे, थैंक यू बेटा, पहुंचे आउट कर दिया। एक बार फिर से एक नया मोड आता हुआ, छक्का जरूर खाया लेकिन जबरदस्त कमबैक यहाँ पे नंदन द्वारा। सुनील आउट होकर पवेलियन में लौट रहे हैं। आदेश मांझरे कर हमारे स्कोरर मुझे कई तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, थैंक यू आदेश। क्या जबरदस्त यॉर्कर थी, और यॉर्कर जो गेंद होती है, इस गेंद को क्रिकेट के जबान में कहते हैं कैंसर।
जिस तरह से कैंसर हो जाने के बाद कोई रुग्ण बचता नहीं, उस तरह से यॉर्कर को भी, यॉर्कर से बचना भी करीब करीब असंभव होता है। लेकिन यॉर्कर डालने के लिए जो गेंदबाज है उसके कंधों में बहुत दम लगता है, बहुत ज्यादा दम और बहुत ज्यादा गति से आप जब यॉर्कर फेंकते हैं तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज को चखा देते हैं। और वही क्या यहाँ पे नंदन ने, नए बल्लेबाज राजेश भागेश, नंदन की इस ओवर की चौथी गेंद, चार विकेटों का पतन हो चुका है 21 रनों के योग पे। अब 9 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत, लक्ष्य लगातार कठिन से कठिन होता जा रहा है यहाँ पे कालेर टीम के लिए। आक्रामक बल्लेबाजी करना की जरूरत उनकी टीम को, दौड़ना शुरू किया नंदू ने, डाटा मोड़ दी विकेट, अच्छी गेंद थी, पेड़ पे लगी, एक जबरदस्त अपील, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, ओवर थ्रो हुआ, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया उनके साथी ने, एक रन पे संतुष्ट। इस एक रन की सहायता के साथ कालेर टीम का योग बढ़ता हुआ पहुंचा 22 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे। 41 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है कालेर की टीम। कालेर और दिवा के बीच में ये अति महत्वपूर्ण मैच, डू और डाई की स्थिति दोनों टीम के लिए। अतुल अब आए हैं, देखना है कि क्या रवैया अपनाते हैं। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है नंदन ने, पहली गेंद पे छक्का जरूर खाया था लेकिन उसके बाद क्या जबरदस्त कमबैक नंदू द्वारा, दौड़ना शुरू किया हमारे ओर दौड़ते हुए, ऑफ स्टंप के बाहर टिप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली, एम्पायर के दोनों हाथ हवा में लहराए, दिशाहीन घोषित की, एक अतिरिक्त रन मिला और इस अतिरिक्त रन की सहायता के साथ योग बढ़ता हुआ पहुंचा कालेर टीम का 23 रन, 4 विकेटों के नुकसान पे। 41 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही है कालेर की टीम, 18 रनों की जरूरत, एक या दो रन से अब काम नहीं बनने वाला, थोड़ा एक्सीलेटर पे और पैर दबाने की जरूरत। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरा अपर ऑर्डर आउट होके पवेलियन में लौट चुका है यहाँ पे कालेर टीम का। अच्छी गेंद, एक बार फिर से पैरों में डाली, ढकेला उसे अपने आप से दूर, एक रन पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई, उसका पूरा फायदा उठाते हुए दूसरा रन भी पूरा कर लिया। इन दो रनों की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 25 रन, 41 रनों की जरूरत, 7 गेंदों में अब 16 रनों की जरूरत, लक्ष्य लगातार कठिन से कठिन होता जा रहा है, छक्के और चौकों की जरूरत जहां तक कि कालेर टीम का सवाल है। लेकिन प्रशंसा करनी होगी नंदन की, बहुत अच्छी गेंदबाजी, एक बार फिर से ब्लॉक आउट में पकड़ने की कोशिश, ढकेला अपने आप से दूर, एक रन पूरा कर दिया, डिप्पी विकेट के फील्डर जब तक आते फील्ड कर दे, और ये वन शॉट, एक रन शॉट एम्पायर का इशारा, केवल एक रन मिलेगा। इस एक रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 26 रन। अब आखिरी 6 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। अभी भी मैं कहूंगा कि कालेर के लिए कोई असंभव लक्ष्य नहीं है, इस तरह के लक्ष्य इस ग्राउंड पे बहुत बार चेज हो चुके हैं, 6 गेंदें 15 रन, लेकिन शुरुआत अच्छी करना जरूरी है। अगर पहली गेंद पे बाउंड्री या मैक्सिमम यानी छक्का अगर लगा देते हैं तो निश्चित तौर से जो प्रेशर है वो पूरा के पूरा बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर चला जाएगा। अच्छी शुरुआत होना जरूरी इस ओवर के लिए जहां तक कालेर का सवाल है। सुमित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, दिवा टीम के सब में अनुभवी गेंदबाज, काफी आशा है उनसे, 6 गेंदें 15। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला मैच, सुमित भागेश के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा उत्तरदायित्व, 6 गेंदें 15 रन। चले सुमित, डाटा मोड़ दो किट, पहुंचे, पार किया और ऑफ स्टंप के बाहर, शॉट गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए, उठा के खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर, बिल्कुल गेंद के लाइन में नहीं थे, गेंद जा रही थी कानपुर, बल्ला चला गया नागपुर, दोनों का कोई मिलन नहीं, और भाग्यशाली रहे कि बाहरी किनारा नहीं लिया वरना राम नाम सत्य हो जाता। 5 गेंदें 15 रन, अच्छी शुरुआत यहाँ पे सुमित द्वारा।
बागेश खेलने के लिए तैयार। एक बार फिर से शॉट के एज लगी और शॉट फाइनल के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। अपील जरूरी है, एम्पायर देखेंगे और ये आउट। एक और विकेट का पता, बागेश आउट होकर पेवेलियन में लौट रहे हैं। चार गेंदों में आप जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। लक्ष्य लगातार कठिन होता जा रहा है यहाँ पे काले टीम के लिए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती आप कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन प्रशंसा करनी होगी यहाँ पे स्मिथ की, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है। दो गेंदों पे कोई रन नहीं दिया और एक महत्वपूर्ण विकेट भी अर्जित किया अपने टीम के लिए। नए बल्लेबाज संदीप, देखना है कि संदीप क्या आक्रामक रवैया अपनाते हैं। चले सुमित राइडा मोड़ द विकेट, एम्पायर को पार किया, शॉट गेंद जरूर थी, फायदा नहीं उठा पाए, पैडल स्लिप किया है उसे, गेंद जा रही है डिब्बे को, डिस्कल लेके क्षेत्र में एक रन पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे रन के लिए निकल पड़े और चार रन। चार रन शानदार, इस चौके की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अपनी लाइन बटके थे, लेग स्टंप के बाहर कर बैठे थे सुमित गेंद, पैडल स्लिप किया था उसे और डिब्बे को इसको लेग बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया था चार रनों के लिए। अब तीन गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। अभी भी मैच में कायम है, हौसला नहीं छोड़ रहे, हौसला छोड़ना भी नहीं चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए। हिम्मत मर्दा मदद है खुदा, गॉड ऑलवेज हेल्प करेजियस पीपल। सुमित के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी अपने टीम को विजय दिलाने की। चले सुमित राइट आर्म मोड़ द विकेट और इस गेंद को बहुत सुंदर से मार दिया उन्होंने, रिपीट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, एक और शानदार कैच। होंगे यहाँ पे स्मिथ की, चार गेंदे फेंकी है, केवल चार रन दिए हैं और दो महत्वपूर्ण विकेट, एक महत्वपूर्ण विकेट एक रन आउट के रूप में। अतुल खेलने के लिए तैयार, दो गेंदे 11 रन, एक छक्का आना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पे। देखिए अतुल क्या करते हैं। चले सुमित राइट आर्म मोड़ द विकेट, फुल टाइम डिलीवरी, फायदा नहीं उठा पाए और मिसफील्डिंग हुई, गेंद जा रही है डिफेक्टा कवर के क्षेत्र में, केवल एक रन मिलेगा। और अब